हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 14 जून को मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का फोर्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाई, चाहे वो मेट्रोलॉजी की हो, अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग की हो, फ्लूइड मैकेनिक्स की हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हो, सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट थी कि आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर भी आप इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएं। तो स्टूडेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है और सारा कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 चैप्टर हैं, जो कि बहुत ही ईजी चैप्टर हैं। अगर आप बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम में देखिए, आप अच्छे तरीके से इसका उसको पढ़कर जाएंगे तो अच्छे मार्क्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि पूरा थ्योरी का सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरी आती है इसमें। तो जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है देखिए चिप फॉर्मेशन। कि किसी भी मेटल में देखिए, जब आप किसी भी टूल से किसी मेटल को कट करते हैं तो उसमें किस तरीके से देखिए, इस प्रकार यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप एक कटिंग टूल यहाँ पर डालते हैं तो ऐसे इसके चिप्स बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, चिप्स, इस प्रकार के क्या बन जाता है, चिप बन जाता है। तो चिप फॉर्मेशन कैसे होती है ये आपको ध्यान रखना है। बिल्ट अप एज, डिसकंटीन्यूअस चिप, देखिए चिप के भी टाइप होते हैं, कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज और डिसकंटीन्यूअस चिप। तो ये टाइप ऑफ चिप्स आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर। ये प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसके टाइप्स भी आपको पढ़ने जरूर हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें और क्या आ सकता है, इसमें देखिए आपका आ सकता है स्टूडेंट ये 3 चीज़ें, कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, और इनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसको आप यूज़ करते हैं मिलिंग में, और एक होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो कि आप लेथ मशीन में यूज़ करते हैं। तो लेथ मशीन में आप यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, इसकी ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जिन जिन टॉपिक को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपका इंपॉर्टेंट है कटिंग टूल के कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील 18% यहाँ पर आपका क्या होता है टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम, इनका रेशियो आपको ध्यान रखना है, फ्री इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। हाई स्पीड स्टील का रेशियो 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम, ये ध्यान रखना है। और इसके अलग अलग जो मटेरियल होते हैं कार्बाइड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पर आप डायमंड सबसे हार्डेस्ट जो होता है आपका कटिंग टूल होता है, उससे पहले सिरेमिक्स होते हैं, हाई स्पीड स्टील होता है, तो ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है पहले चैप्टर में स्टूडेंट, पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है देखिए एज फॉर्मेशन, ये जो आपकी किस तरीके से आपकी चिप फॉर्मेशन होती है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के यूज़ क्या है, इसकी ज्योमेट्री आप देखेंगे, इसका टूल सिग्नेचर आप देखेंगे, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ क्या होता है मशीनिंग में, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और हाई स्पीड स्टील, इनके मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये पहली यूनिट हो गई। फिर देखिए जो सेकंड है, इस पर तो मैं सभी वीडियोस आपको मैक्सिमम देखिए बना चुका हूँ, जैसे लेथ मशीन क्या है और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिएज, लेथ बेड, तो ये आपको पढ़ना है कि लेथ क्या होती है और इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। और आपको स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना है कि वर्क होल्डिंग डिवाइस, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और पिछली बार एग्जाम में आया भी है कि वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं लेथ मशीन में, जैसे चक हो गया आपका, चक आपका क्या है वर्क होल्डिंग डिवाइस है। ऐसे ही स्टूडेंट जितने जहाँ पर भी आप वर्क होल्ड कर सकते हैं, जैसे सेंटर्स पर आप वर्क को होल्ड कर सकते हैं, जो चक सेंटर होते हैं तो वो भी आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस हो गया, फेस प्लेट हो गई, तो इन सब के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस पर मैं इंपॉर्टेंट आपका निशान बना देता हूँ तो पढ़ लेना आप लेथ और इसके आपके ये सब लेथ के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि लेथ के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं और वर्क होल्डिंग डिवाइस, ये ज़रूर आप पढ़ लेंगे। और लेथ में कौन सा टूल यूज़ होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो इसको तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। या इसकी ज्योमेट्री के बारे में, इसके बारे में पूछा जाएगा,
लेथ में भी आप इसको लिख सकते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से आप कोई भी वर्क पीस को कट करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेथ के ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे फेसिंग हो गई, टर्निंग हो गई, टेपर टर्निंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, बोरिंग हो गई, थ्रेडिंग, नर्लिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और कटिंग पैरामीटर देखिए, स्पीड, फीड और डेप्थ, ये पिछले वाले चैप्टर में भी था। देखिए यहाँ पे कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ, ये देखिए अरे यहाँ पर भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे बार बार में। और ये देखिए लेथ की एसेसरीज क्या क्या होती हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि लेथ में कौन कौन सी एसेसरीज यूज होती हैं। सेंटर हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था कि चक सेंटर हो गया, टेल स्टॉक पे सेंटर लगता है, फेस प्लेट हो गया, एंगल प्लेट हो गया, मैंड्रल हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसकी सभी वीडियोस में बना चुका हूँ लेथ मशीन की, ये आप देख सकते हैं। एक स्टूडेंट आप इसको इंपॉर्टेंट देखना कि लेथ के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर आप डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो पूरे पूरे मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। अब यूनिट थर्ड आप देखिए, तो ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, और ड्रिलिंग के टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आपके ड्रिलिंग के जो रेडियल ड्रिलिंग हो गई, आपकी हैंड ड्रिल हो गई, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ड्रिलिंग के बारे में आप पढ़ लेंगे, इसका डायग्राम आप पढ़ लेंगे, और ड्रिलिंग से आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ड्रिलिंग, स्पॉट फिशिंग, रीमिंग, इनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ स्टूडेंट, इस पर मैं टिक कर देता हूँ जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ। रीमिंग क्या होती है, बोरिंग क्या होती है, और यहाँ पर आपकी ये ड्रिलिंग क्या है, ये आप देख सकते हैं, इसकी मैं बना चुका हूँ वीडियो। और आपको स्टूडेंट ड्रिल के बारे में पढ़ लेना है कि ड्रिल के जो आपके अलग अलग एंगल होते हैं, ये सब आपको इसका जो डायग्राम है वो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है ड्रिल का। तो ये यूनिट थर्ड का हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको रीमर भी पढ़ना है, टाइप ऑफ रीमर, रीमर क्या होता है, फिनिशिंग करने के काम आता है रीमर, तो इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ रीमर की, ये आप देख सकते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में। फिर जो यूनिट फोर है, ये भी बहुत ईजी है। बोरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, बोरिंग का अर्थ होता है कि किसी होल को आपको बड़ा करना है, ये होल है और आपको इसको यहाँ यहाँ तक करना है, तो आपके पास एक बोरिंग टूल होता है। आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, एक बोरिंग टूल होता है इस तरीके का, ये देखिए एक बोरिंग टूल होता है। इस बोरिंग टूल से आप क्या करते हैं, इसको लार्ज करते हैं होल को। तो ये इसका क्लासिफिकेशन आप इसका पढ़ेंगे, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए जो चैप्टर फाइव है, इसमें भी मैं वीडियो बना चुका हूँ शेपर मशीन क्या होती है, स्लॉटर मशीन क्या होती है, और प्लानिंग मशीन क्या होती है। इन तीनों में डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों में डिफरेंस अगर आपको पता है तो आप कुछ भी लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए कि शेपर मशीन में टूल आप कहाँ पर रखते हैं, उसमें आपका वर्क पीस मूव करता है या टूल मूव कैसे रेसिप्रोकेट करता है। तो शेपिंग, प्लानिंग और स्लॉटिंग, 10 मार्क का क्वेश्चन या 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट। तो ये शेपिंग, प्लानिंग और स्लॉटिंग की आप वर्किंग प्रिंसिपल, इनका डायग्राम भी आप देख के जाएंगे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके डिफरेंस, इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, डिफरेंस ज़रूर देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। और जो लास्ट चैप्टर बचा है इसमें क्या है, कटिंग फ्लूड और लुब्रिकेंट में डिफरेंस, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, ये भी देख सकते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में। कटिंग फ्लूड और लुब्रिकेंट में क्या डिफरेंस है, पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया, वही एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। और स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं है, और बस आपको यही पढ़ना है कि कौन कौन से आप कटिंग फ्लूड यूज़ करते हैं, टाइप क्या क्या है कटिंग फ्लूड के और लुब्रिकेंट के, या आप देखेंगे। तो स्टूडेंट आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की हमारी प्लेलिस्ट है, देखिए यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसकी ज्योमेट्री के बारे में मैंने बता रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी देखिए प्लेलिस्ट है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इसमें आप वीडियोस को सर्च कर सकते हैं जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। पहले आप उन टॉपिक को लिख लीजिए जो मैंने इंपॉर्टेंट बताएं, फिर उसके हिसाब से आप वीडियो को देखना शुरू करेंगे। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें और इसको पढ़ें। अभी आपके पास 14 तारीख का एग्ज़ाम है, आप इजीली इन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, सारा थ्योरी टॉपिक है। तो आप हमें फॉलो करें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।